बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 16 का जो टॉपिक करेंगे डेट इज़ स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है, शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। तो ये हमें जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है ये हमें आइडिया देता है, ये हमें बताता है कि कैसे कंट्रैक्शन होती है मसल्स के अंदर। तो इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो व्हेन मसल फाइबर कंट्रैक्ट, जब मसल फाइबर यानी मसल के जो सेल हैं जब वो कंट्रैक्ट करते हैं यानी कि जब वो शॉर्ट हो जाते हैं, तो थिन और थिक फिलामेंट्स जो मायोफिलामेंट्स हैं, थिन एंड थिक फिलामेंट्स, उनमें शिफ्टिंग होती है। अंडरगो मीन्स अकरिंग होना, तो उनमें शिफ्टिंग होती है और इस शिफ्टिंग की वजह से जो आई बैंड है यानी कि जो लाइट बैंड है उसकी लेंथ कम हो जाती है और जो Z लाइन है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाती है। आई रिपीट कि जब मसल फाइबर कंट्रैक्ट करेंगे तो थिक और थिन जो फिलामेंट्स हैं, जो मायोफिलामेंट हैं, जो मायोफिब्रल में मौजूद हैं, उनमें शिफ्टिंग होगी। जो आई बैंड है, जो लाइट बैंड है, उसकी लेंथ कम हो जाएगी और जो Z लाइन है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। तो इसको हम आगे देखेंगे, दोबारा इस डेफिनेशन की तरफ दोबारा आएंगे। तो ये मॉडल दो साइंटिस्ट हैं, दोनों का नेम सेम है, हक्सले, एच एफ हक्सले और ए एफ हक्सले। 1954 में उन्होंने ये मॉडल जो है ना वो सुजेस्ट किया था। और इस मॉडल के मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक, इस इज़ अ थ्योरी, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसमें जो इवेंट्स होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड पास्ट करेगा थिक फिलामेंट के ऊपर, यानी मूव ओवर, यानी कि जो थिन फिलामेंट है जो एक्टिन के बने हुए हैं, एक्टिन फिलामेंट्स भी जिनको कहते हैं, वो थिक फिलामेंट यानी मायोसिन फिलामेंट के ऊपर मूव करेंगे। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स यानी थिन और थिक फिलामेंट्स ओवरलैप हो जाएंगे टू ग्रेटर डिग्री, यानी बहुत ज़्यादा ओवरलैप होंगे। जी लाइन क्लोज आ जाएगी, लाइट बैंड आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, क्रॉस ब्रिजेस जो थिक फिलामेंट के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो अटैच हो जाएंगे बाइंडिंग साइट के साथ, और ये जो बाइंडिंग साइट है ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मौजूद है। उसके बाद ये क्रॉस ब्रिजेस कंट्रैक्ट होंगे टू शॉर्ट, और इनके कंट्रैक्ट होने की वजह से क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स को यानी थिन फिलामेंट्स को खींचेंगे, पुल करेंगे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक सार्कोमेयर में हो रहा है। कल हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो मसल सेल होते हैं उनमें मायोफिब्रल्स होते हैं और मायोफिब्रल्स के अंदर सार्कोमेयर्स होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। तो एक सार्कोमेयर के अंदर ये सब कुछ हो रहा होगा और बाकी सार्कोमेयर्स के अंदर भी यही सेम, यही सब कुछ, यही इवेंट्स हो रहे होंगे। तो थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर मूव करेगा, जिसकी वजह से थिन और थिक फिलामेंट यानी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप हो जाएंगे। जेड लाइन या जी लाइन क्लोज हो जाएगी, लाइट बैंड या आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, और थिक फिलामेंट के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है इन ब्रिजेस की उनके साथ अटैच हो जाएंगे। क्रॉस ब्रिजेस फिर कंट्रैक्ट करेंगे यानी शॉर्ट होंगे, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट्स को ये खींचेंगे सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ। तो देखते हैं आगे डायग्राम से इसको समझते हैं। तो दिस ये डायग्राम है, इसमें देखते हैं अभी मसल जो है ना वो रिलैक्स्ड है, रिलैक्स, उनमें कोई कंट्रैक्शन नहीं हो रही। ये एक सार्कोमेयर है, कल हमने देखा था कि एक जी लाइन से लेके जो दूसरी जो जी लाइन है इनके दरमियान का जो रीजन है, ये जो सारे का सारा जो एरिया है ये क्या कहलाता है, सार्कोमेयर कहलाता है, वन सार्कोमेयर। तो इसमें लाइट बैंड है ये जो आपको
नज़र आ रहा है, दिस इज आई बैंड या लाइट बैंड, ये जो रेड में है सारे का सारा रेड जो एरिया है, ये डार्क बैंड है, डार्क बैंड के दरमियान वाला जो एरिया है ये एच जोन है, और ये फिर दोबारा एक और लाइट बैंड का एरिया है, और फिर ये मेम्ब्रेन है, ये एक प्रोटीन की मेम्ब्रेन है जिसने जिसको जी लाइन कहते हैं, जिसने थिन फिलामेंट्स को एक साथ होल्ड करके रखा हुआ है, जो इधर भी है और इधर भी है, और इसके दरमियान का ये जो रीजन है वो सार्कोमेयर है। तो अभी मसल रिलैक्स्ड है, तो उस वक्त सार्कोमेयर की जो कंडीशन होगी या सार्कोमेयर के अंदर की जो शेप होगी वो ऐसे होगी, थिन और थिक फिलामेंट ओवरलैप होंगे मगर टू लेसर एक्सटेंट, बहुत कम हद तक वो जो है ना ओवरलैप्ड है, यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम। ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस अटैच नहीं है, देयर इज नो अटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिजेस विद एक्टिन फिलामेंट्स। ये आई बैंड की लेंथ है, दिस इज लेंथ ऑफ एच जोन, और ये जी लाइन यानी सार्कोमेयर की लेंथ है। नाउ देखते हैं कि जब मसल पार्शली कंट्रैक्ट करते हैं तो ओवरलैपिंग और बढ़ जाती है थिन और थिक फिलामेंट की, क्योंकि थिन फिलामेंट मूव करते हैं, मूव ओवर द थिक फिलामेंट, यानी थिक फिलामेंट के ऊपर ये मूव करेंगे थिन फिलामेंट, और ओवरलैपिंग इंक्रीज हो जाएगी। आई बैंड की लेंथ यू कैन सी, इसका और इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो रिलैक्स्ड में देखें आई बैंड की लेंथ ज़्यादा है, और पार्शली कंट्रैक्टेड में आई बैंड की लेंथ कम हो गई है। एच जोन की भी लेंथ कम हो गई है कंट्रैक्शन की वजह से, बट दिस इज पार्शली कंट्रैक्शन, इधर भी आई बैंड की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो गई है, इधर से सार्कोमेयर का जो एरिया है, सार्कोमेयर की जो लेंथ है वो भी कम हो गई है। और जब मसल फुली कंट्रैक्ट करेंगे तो ये जो ओवरलैपिंग है थिन और थिक फिलामेंट की, ये ग्रेटर डिग्री तक होगी, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, आई बैंड यानी लाइट बैंड शॉर्ट हो जाएगा, जी लाइन एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी, और ये जो सार्कोमेयर की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, फुली कंट्रैक्टेड में सार्कोमेयर जो है वो ऐसे नजर आएगा, और ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, ये वाले जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, ये जो है ना वो क्या करेंगे, ये अटैच होंगे और इन एक्टिन फिलामेंट्स को इस वाले जो थिक फिलामेंट है जो यहाँ पे क्रॉस ब्रिजेस हैं, वो इस थिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ पुल करेंगे, और ये इस साइड पे जो थिक फिलामेंट के ऊपर जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो इस थिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ जो है ना वो पुल करेंगे। तो हर सार्कोमेयर में ये हो रहा होगा, और मसल कंट्रैक्ट हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि कंट्रैक्शन के वक्त जो सेलेटिंग फिलामेंट मॉडल क्या कहता है कि जब मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो जी लाइन एक दूसरे की क्लोज आ जाती है, आप देख सकते हो कि क्लोज है, आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा, द लेंथ ऑफ आई बैंड इज शॉर्ट, एच जोन डिसअपियर हो गया, और एक ए बैंड यानी जो डार्क बैंड है उसकी जो लेंथ है वो वैसी की वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, चाहे मसल जब रिलैक्स होंगे तब भी वो उसकी लेंथ वैसी ही होगी जितनी पार्शली कंट्रैक्शन में, और उतनी ही होगी फुली कंट्रैक्टेड मसल में, तो ए बैंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो फिक्स रहेंगे। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, ठीक है, वेरी इजी, और इसमें कोई जो है ना मुश्किल नहीं है, इसमें स्लाइडिंग हो रही है, उसके बाद एक दूसरे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, जिसकी वजह से सार्कोमेयर की जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे हम देखते हैं हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। ये जो अभी हमने पढ़ा कि मायोसिन फिलामेंट या थिक जो फिलामेंट है उनके क्रॉस ब्रिजेस जो है ना वो अटैच हो जाते हैं एक्टिन के साथ, एक्टिन फिलामेंट्स के साथ, थिन फिलामेंट के साथ, और उसको खींचते हैं, पुल करते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। तो ये जो कंट्रोल ब्रिजेस हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे ये बाइंडिंग होती है, वो हम देखते हैं इस टॉपिक में। तो मसल
मसल जब रिलैक्स होते हैं, जब मसल रेस्ट रेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है? तो मसल एट रेस्ट में, ये एक्टिन फिलामेंट है जो ब्लू में है, ये ट्रोपोमायोसिन है और ये ट्रोपोनिन है, और ये मायोसिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, ये इसका क्रॉस ब्रिज है जो मायोसिन का हेड कहलाता है, द हेड ऑफ द मायोसिन इज नोन एज क्रॉस ब्रिज। तो जब मसल रेस्ट में होंगे तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये इस तरीके से प्लेस होगी कि इसने एक्टिन की जो चेन है उसके ऊपर जो साइट है, जो बाइंडिंग साइट है, उसको कवर किया होगा। तो इसने इस वक्त जो है ना इस बाइंडिंग साइट को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। ये बाइंडिंग साइट किसकी है? इस क्रॉस ब्रिज की बाइंडिंग साइट है जो कि एक्टिन के ऊपर मौजूद है। तो ये वो क्रॉस ब्रिज, ये वो साइट है जहां पे हेड ऑफ द मायोसिन, जिसको क्रॉस ब्रिज भी कहते हैं, वो आके यहाँ पे अटैच होगा। तो जब मसल रिलैक्स होते हैं, जब मसल रेस्ट पे होते हैं, तो ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन के ऊपर क्रॉस ब्रिजेस की जो बाइंडिंग साइट है उसको कवर किया होता है। और जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो देन फिर क्या होता है, कैल्शियम आयन, ये आपको जो रेड में नजर आ रहा है ये कैल्शियम आयन है, ये जाके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है। ट्रोपोनिन एक और प्रोटीन है जो थिन फिलामेंट में मौजूद है, और ये जो कैल्शियम आयन जब बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन के साथ, बहुत सारे कैल्शियम आयन जब बाइंड करेंगे एक साथ ट्रोपोनिन के साथ, तो उसकी वजह से ट्रोपोनिन अपनी जगह से हटेगा, मूव स्लाइटली। और जब वो ट्रोपोनिन अपनी प्लेस से हटेगा, मूव करेगा, तो ट्रोपोमायोसिन भी डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि कैल्शियम अटैच हुआ ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन थोड़ा सा मूव किया उसने, और उसके मूव करने की वजह से ट्रोपोमायोसिन जो है वो भी क्या हो गया, डिसप्लेस हो गया, अपनी जगह से हट गया है, और बाइंडिंग साइट जो है ना वो एक्सपोज हो जाएगी मायोसिन के हेड के लिए। मायोसिन का जो हेड है वो अटैच हो जाएगा एक्टिन फिलामेंट के साथ, ठीक है, इधर वो अटैच हो जाएगा, एटीपी जो है ना वो टूटेगा, हाइड्रोलाइज होगा और कंट्रैक्शन हो जाएगी, एक साइकिल जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज वन साइकिल। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो कैसे होता है, कैल्शियम आयंस आके बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन मूव करता है अपनी जगह से, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन भी डिस्प्लेस हो जाती है और बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है, क्रॉस ब्रिज की जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाती है, और ये जो क्रॉस ब्रिज है ये इस बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाता है और जो है ना वो इसको पुल करता है, एटीपी टूटता है इस प्रोसेस में। और एटीपी कहाँ से आ रहा है, हर मसल सेल में लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो जब मसल रेस्ट कर रहा होगा तो दिस सिचुएशन ऐसे होगा, ठीक है, द बाइंडिंग साइट इज कवर्ड विद ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। और जब मसल ने कंट्रैक्ट करना होगा तो कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, और ये जो कैल्शियम आयन जो रिलीज हुए हैं, इसका भी हम मैकेनिज्म आगे देखेंगे नेक्स्ट उस टॉपिक में। तो इसके ये कैल्शियम जो है ना वो ट्रोपोनिन के साथ आके अटैच होगा, उसको मूव करवाएगा, ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होगा और बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी, जिसके साथ ये अटैच हो जाएगा और कंट्रैक्शन हो जाएगी, एटीपी टूटेगा, और एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि लार्ज नंबर में होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। होता क्या है, थोड़ा हम और इसको क्लियरली देख लेते हैं। तो ये एडीपी है और ये इनऑर्गेनिक फास्फेट है जो अटैच है, और ये जो क्रॉस ब्रिज है वो अटैच हो चुका है, ठीक है, मसल की कंट्रैक्शन जस्ट होने वाली है, तो वो हम यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एडीपी और फास्फेट अटैच है, इनऑर्गेनिक, आई मीन इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच है, और ये जो क्रॉस ब्रिज है ये एक्टिन के साथ अटैच है बाइंडिंग साइट पर। और ये क्या हुआ कि इसने इस क्रॉस ब्रिज ने इसको पुल किया है, खींचा है टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ, इसको पुल किया है सार्कोमियर के सेंटर की तरफ। तो ये एक्टिन फिलामेंट आगे हो गया है, ये थिन फिलामेंट आगे हो गया है, और यहाँ से एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट अलग हो गए। नाउ क्रॉस ब्रिज नीचे आ गए हैं, ठीक है,
उसके बाद एटीपी जो है ना वो टूटेगा, और एटीपी जब टूटेगा तो उसकी जो एनर्जी की वजह से ये क्रॉस ब्रिज दोबारा ऊपर की तरफ राइज होंगे और एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है उसके साथ अटैच हो जाएंगे, और ये साइकिल जो है ना वो फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर बुक, मतलब हमारी बुक का पार्ट नहीं है ये डायग्राम, मगर एक कंसेप्ट है, उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये वो फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद जो है ना वो कंट्रैक्शन जस्ट होने वाली है। इसमें ADP अटैच है, इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच है क्रॉस ब्रिजेस के साथ, और ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं ये एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंडिंग साइट पे अटैच है। ये पुल कर रहे हैं सेंटर की तरफ इस थिन फिलामेंट को, और ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद ये ATP आके अटैच होता है इसके साथ, क्रॉस ब्रिज के साथ ATP आके अटैच होता है, ये नीचे हो जाते हैं। उसके बाद ATP दोबारा टूटता है और ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट में चेंज होता है, और इसकी जो एनर्जी है, इसकी टूटने की वजह से जो एनर्जी है उसकी वजह से क्रॉस ब्रिज राइज होता है ऊपर की तरफ और जाके बाइंडिंग साइट के साथ अटैच होता है, और फिर ये इसको एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ पुल करता है, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट अलग हो जाते हैं, और ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। एक टर्म है वो हम देख लेते हैं, टर्म जो है रिगर मोर्टिस, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रिगर रिजिड से निकला है, रिजिड मीन स्टिफ यानी हार्ड, सख्त हो जाना। मोर्टिस मोर्टेलिटी से निकला है जिसका मतलब है डेथ। तो ATP की जरूरत पड़ती है मायोसिन ब्रिज और एक्टिन के दरमियान का जो लिंक है उसको तोड़ने के लिए। अभी आपने पीछे देखा ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट जब अलग होते हैं तो ब्रिज भी अलग हो जाता है। तो ATP चाहिए मायोसिन ब्रिज और एक्टिन के दरमियान में जो लिंक है उसको तोड़ने के लिए। ये अभी हम इसमें देख इस डायग्राम में, तो ADP जो है ना वो यहाँ से रिमूव होता है, और इनऑर्गेनिक फास्फेट जब यहाँ से रिमूव होते हैं तो फिर ये जो है ना वो ब्रिज टूट जाता है। तो ये ADP कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस ADP इज प्रोवाइडेड बाय ATP। तो ATP जो है ना वो चाहिए होती है, नीडेड टू ब्रेक द लिंक बिटवीन फास्फेट ब्रिज एंड एक्टिन। तो डेथ के बाद क्या होता है, ATP का लेवल कम हो जाता है बॉडी में, ATP बंद हो जाता है बनना। जब बनना बंद हो जाएगा तो लेवल कम हो जाएगा, ब्रिजेस जो है ना वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे, क्रॉस ब्रिज एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच रहेगा, बाउंड रहेगा, बॉडी स्टिफ रहेगी क्योंकि मसल्स कंट्रैक्शन के दौरान हार्ड होते हैं, तो बॉडी भी हार्ड होगी, स्टिफ होगी, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज रिगर मोर्टिस। ठीक है, तो ATP इज नीडेड, ATP चाहिए मायोसिन ब्रिज और एक्टिन को के दरमियान के लिंक को तोड़ने के लिए। डेथ के बाद ATP का लेवल कम हो जाता है, ब्रिजेस टूटते नहीं है, बाइंड रहते हैं, बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज रिगर मोर्टिस। लास्ट हम चलेंगे, कल हमने देखा था कि मसल जो है वो तीन तरह के उसकी टाइप्स हैं वर्टिब्रेट में, एक स्मूथ मसल है, एक कार्डियक मसल्स हैं और एक स्केलेटल मसल्स हैं। तो इन तीनों में कंपैरिजन हमने करना है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो सबसे पहले मसल अपीयरेंस, स्मूथ मसल अनस्ट्रिप्ड होते हैं, आप देख सकते हो कि इसमें कोई स्ट्राइएशंस, कोई स्ट्रिप्स नहीं है, कोई लाइंस नहीं है, कोई जो है ना वो बैंड्स नहीं है, तो अनस्ट्रिप्ड है इसलिए इनको स्मूथ कहते हैं। कार्डियक मसल में इररेगुलर स्ट्रिप्स है, ये कार्डियक मसल है, कई स्ट्रिप्स छोटी हैं और कई स्ट्रिप्स जो है ना वो बड़ी हैं, तो दिस इज इररेगुलर स्ट्रिप्स है। स्केलेटल मसल में रेगुलर स्ट्रिप्स हैं, ये स्केलेटल मसल हैं, और यू कैन सी कि इसमें सब एक जैसी लेंथ, एक जैसी जो है ना वो सेम बैंड्स हैं, सेम लेंथ के बैंड्स हैं, तो ये रेगुलर स्ट्रिप्स हैं। सेल की जो शेप है, स्मूथ मसल की जो सेल है वो स्पिंडल शेप होते हैं और लॉन्ग होते हैं, ये स्पिंडल शेप है, ठीक है, और लॉन्ग होते हैं। कार्डियक मसल ब्रांच्ड होते हैं, आप देख सकते हो कि ये मसल्स जो है ना एक दूसरे ये ब्रांच्ड हैं, और जो स्केलेटल मसल हैं वो स्पिंडल भी होते हैं और सिलेंड्रिकल भी होते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप के स्केलेटल मसल हैं और स्पिंडल भी होते हैं, इस तरह के भी होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, स्मूथ मसल का जो एक सेल है उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में होता है। कार्डियक मसल का भी जो
एक सेल जो है उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, वन पर सेल, जबकि स्केलेटल मसल का जो सेल है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये एक ही सेल है स्केलेटल मसल का जिसमें ये न्यूक्लियस हैं, ए मोर देन वन न्यूक्लियाई हैं। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, स्मूथ मसल की जो कंट्रैक्शन की स्पीड है यानी कंट्रैक्ट होने की जो स्पीड है, शॉर्ट होने की जो स्पीड है वो स्लो है। कार्डियक मसल की इंटरमीडिएट है, ना फास्ट है ना स्लो है, हमारे जो है ना इंटरमीडिएट कंट्रैक्शन है इसकी। और स्केलेटल मसल की जो कंट्रैक्शन है उसको वो स्लो भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है और रैपिड भी हो सकती है, तीनों स्लो टू रैपिड तीनों तरह की है, स्लो भी इंटरमीडिएट भी और रैपिड कंट्रैक्शन तीनों तरह की। स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन जो है ना वो एक स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद स्मूथ मसल जनरेट करता है कंट्रैक्शन। और स्ट्रेच, ये स्ट्रेच जो है ना पड़ने पे, प्रेशर पड़ने पे, फोर्स अप्लाई होने पे स्मूथ मसल जो है ना स्ट्रेच जो है ना उसकी वजह से भी कंट्रैक्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करता है और हार्मोन्स भी स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व हैं। कार्डियक मसल जो है उसके अंदर पेसमेकर होता है, वो अपनी कंट्रैक्शन खुद ब खुद प्रोड्यूस करते हैं कार्डियक मसल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर। और स्केलेटल मसल्स की जो कंट्रैक्शन है उसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो कंट्रोल करता है। वोलेंट्री कंट्रोल, स्मूथ मसल्स का कोई वोलेंट्री कंट्रोल नहीं है, यानी हमारा स्मूथ मसल्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता, कार्डियक मसल पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन स्केलेटल मसल्स पे हमारा कंट्रोल होता है। स्मूथ मसल्स कहाँ होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं और दूसरे बहुत सारे ऑर्गन्स में होते हैं। ये हॉलो ऑर्गन्स हैं, यानी जिन ऐसे ऑर्गन जिनमें स्पेस है, जिनमें कैविटीज हैं, उनकी जो वॉल्स हैं, उन कैविटीज की जो वॉल है उनमें स्मूथ मसल होते हैं। तो ये भी हॉलो है अंदर से ब्लड वेसल, ये भी हॉलो है डाइजेस्टिव ट्रैक, तो इनकी वॉल में ये स्मूथ मसल होते हैं। कार्डियक मसल जो है वो हार्ट की जो वॉल है उसका जो ज़्यादातर जो मटेरियल है वो कार्डियक मसल पे मुश्तमिल है, हार्ट की वॉल बनाते हैं, हार्ट में होते हैं और ये स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। स्मूथ मसल जो है ना वो उनका रोल है कि वो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स, जैसे ब्लड है उसकी मूवमेंट, फूड की मूवमेंट उसको कंट्रोल करते हैं हॉलो ऑर्गन्स के थ्रू, यानी ब्लड वेसल डाइजेस्टिव ट्रैक हॉलो ऑर्गन है। कार्डियक मसल ब्लड को पंप करते हैं और स्केलेटन मसल स्केलेटन को मूव करते हैं करवाते हैं। स्मूथ मसल के स्पेशल फीचर्स ये हैं कि ये सबसे पहली फॉर्म है जो मसल की जो इवॉल्व हुई, जो डेवलप हुई, तो सबसे पहले जो मसल बने वो स्मूथ मसल थे। इनवोलेंट्री कंट्रोल है, वोलेंट्री कंट्रोल नहीं है इसका, तो उस पर जो है जब नर्वस सिस्टम में जो बेटर आता गया तो फिर वोलेंट्री कंट्रोल, फिर आगे ये मसल्स भी बने, तो सबसे पहले जो मसल बने वो स्मूथ मसल थे। हर एनिमल के अंदर ये पाए जाते हैं, चाहे वो इनवर्टिब्रेट है, चाहे वो वर्टिब्रेट है, चाहे वो लोअर है, चाहे वो हायर एनिमल है, हर सब एनिमल के अंदर स्मूथ मसल होते हैं। कार्डियक मसल में चेन ऑफ सेल होती है, आप देख सकते हो कि ये चेन ऑफ सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो चेन ऑफ सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं फाइबर्स में, तो ये पूरा चेन ऑफ सेल मिलके एक फाइबर बना रहा है, एक जो है ना लॉन्ग चेन बन जाती है फाइबर की शेप में, ब्रांच्ड होते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। स्केलेटल मसल में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, उसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होती हैं और ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं टेंडन के जरिए, जो कि कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनमें नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स वोलेंट्री मसल्स भी कहते हैं इनको, स्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल भी ये कहलाते हैं, इनके दूसरे नाम हार्ट मसल हैं, स्ट्राइएटेड मसल हैं, इनवोलेंट्री मसल हैं। ये विसरल ऑर्गन्स को कहते हैं, तो ऑर्गन्स में होने की वजह से इनको विसरल मसल्स, नॉन स्ट्राइएटेड और इनवोलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। तो दैट इज एंड ऑफ द टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।